Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत में आज भी कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। ऐसी ही जगहों में एक है पुणे का शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा अपनी खूबसूरती और अद्भुत शिल्पकारी के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही काला इतिहास भी अपने अंदर समेटे हुए है। शनिवार वाड़ा 18वीं शताब्दी में मराठा राजाओं द्वारा बनाया गया था। सन 1743 ईस्वी में यहाँ के मराठा शासकों द्वारा इसे बनाया गया था। सन 1818 तक यहाँ पेशवाओं का राज था, जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर कब्जा नहीं कर लिया। उसके बाद शनिवार वाड़ा भारत में राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया। सन 1828 में एक भयानक विस्फोट से इस महल का अधिकांश हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जो कि आज के वक्त में दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। छत्रपति साहू जी के प्रधानमंत्री पेशवा बाजीराव ने अपने निवास स्थान की नींव 10 जनवरी 1730 शनिवार को रखी थी, इसी वजह से इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। सबसे पहले पेशवा नाना साहब थे, दूसरे पेशवा उनके पुत्र बिशन राव जो कि पानीपत की लड़ाई में मारे गए, तीसरे पेशवा महादेव राव पानीपत की लड़ाई में महादेव राव पर रणनीति बनाने की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी बनाई हुई कुछ रणनीतियों की वजह से युद्ध में मराठों के 70,000 सैनिक मारे गए थे। महादेव राव युद्ध में अपने भाई के मृत्यु और मराठों की हार के लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे। इसी ग्लानि की वजह से कुछ ही दिनों बाद उनकी बीमारी से मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के पश्चात मात्र 16 साल की उम्र में नारायण राव को पेशवा बनाया गया। नाना साहब के छोटे भाई रघुनाथ राव भी थे, जिन्हें सब राघोबा कहते थे, और उनकी पत्नी आनंदीबाई थी। वो खुद पेशवा बनना चाहते थे। उन्हें लगा कि नारायण राव की वजह से वो पेशवा नहीं बन सके। इधर नारायण राव के अनुसार रघुनाथ राव ने एक बार उनके बड़े भाई महादेव राव की हत्या का प्रयास किया था। इसी बीच कुछ चाटुकारों ने मौका देखकर दोनों के बीच फैली नफरत को और भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप नारायण राव ने अपने काका को घर में ही नजरबंद करवा दिया। इससे आहत होकर रघुनाथ राव ने भीलों के मारक कबीले के मुखिया सुमेर सिंह गारदी को संदेश भेजा। आनंदीबाई ने संदेश में नारायण राव ला धरा, यानी नारायण राव को पकड़ो को बदलकर नारायण राव ला मारा कर दिया, जिसका अर्थ था नारायण राव को मार दो। नारायण राव को इसकी भनक लग गई और वो चाचा मला बाचवा चिल्लाते हुए रघुनाथ राव के कमरे की तरफ भागा, पर पहुंचने से पहले ही मार दिया गया। शनिवार वाड़ा में आज भी नारायण राव की आत्मा भटकती है और रात होते ही वहां चाचा मला बाचवा की आवाज़ गूंजती रहती है। शनिवार वाड़ा भारत के खौफनाक जगहों में शुमार है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.